मुरादाबाद जनपद के मजोला थाना क्षेत्र में मारपीट के दौरान बेटे को बचाने पहुंची महिला को आरोपी ने धक्का देकर गिरा दिया। चोटिल हुई महिला को बेहोशी की हालत में महिला को निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मामले में मजोला पुलिस ने बेटे की तहरीर पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। थाना मजोला के मंडी समिति चौकी क्षेत्र के मोहल्ला प्रीतनगर निवासी लक्ष्मी देवी पत्नी छत्रपाल मजदूरी करती थी। उसके चार बेटे रवि, चमन, मुनेश व पप्पू और एक बेटी राजबाला है। मंगलवार शाम महिला के मोहल्ले में रहने वाले महिपाल की मां की 13वीं थी। दीपक के साथ उसने शराब पी थी। प्रीतम नगर में ही एमडीए के आवास के पास दीपक ने रवि से कहा कि जाकर 13वीं का खाना ले आए। रवि ने मना किया तो दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। आरोप है कि दीपक ने रवि को गिराकर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर माँ लक्ष्मी बेटे को बचाने पहुंची तो आरोपी ने उसे जोरदार धक्का दे दिया। धक्का लगने से लक्ष्मी दूर जा गिरी और उसके सिर से खून निकलने लगा। महिला वहीं बेहोश हो गई। आनंद फानंद में परिवार के लोग उसे दिल्ली रोड मझोला एक्सप्रेस अस्पताल पहुंचे, जहां महिला ने दम तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही सूचना पाकर एसएचओ मझोला जीत सिंह भी पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसएचओ जीत सिंह ने बताया कि महिला के बेटे की तहरीर पर आरोपी दीपक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? छत्रपाल। छत्रपाल जी, क्या हुआ था बताइए। मैं पलंग से आया हूं, और ये पलंग से धक्का देकर इसको धक्का दे दिया उन्होंने। इन लोगों ने, मैं तो जानता ना हूँ, मैं पलंग चला गया, धड़का मारा मैंने कि मैं कभी मुझे दे दिया। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? काफ़द वो लौंडे इसको मार रहे हैं हमारे वाले को। तो फिर क्या हुआ? फिर वो मार के बचाने गई होगी जी। बचाने मुझे धक्का उक्का उसमें जी। क्या करें, पता चला कौन थे जिन्होंने धक्का दिया? अब ये वो लौंड आई, वो पता है। क्या नाम है? कितना टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मुरादाबाद से अमित कुमार शुक्ला की रिपोर्ट।